हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एसक्यूएल में नॉट नल लिखने का क्या मतलब है? एसक्यूएल व्यू में जो हम लोग काम करते हैं तो नॉट नल लिखते हैं। तो चलिए ये इसी की बात करते हैं। एक नया डेटाबेस मैं ले लेता हूं और अब हमें यहां से जाना है। देखिए टेबल तो बनाना नहीं है तो टेबल को ऑफ कर देते हैं। टेबल बनाएंगे हम क्वेरी की मदद से। तो यहां पे क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और इसको यहां से क्लोज कीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा एसक्यूएल। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर हमको एक टेबल बनानी है तो यहां पर सिंपली मैं लिख देता हूं क्रिएट और यहां पे लिख देता हूं टेबल और फिर टेबल का नाम दे देते हैं लाइक एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय इस तरीके से एम्प्लॉय टी यानी एम्प्लॉय टेबल ये दे दिया हमने। अब यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया, एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि एम्प्लॉय की आईडी दे सकते हैं या एम्प्लॉय का नेम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं दोनों में से। तो यहां पर अगर मैं कर देता हूं एम्प्लॉय और अंडरस्कोर लगाना जरूरी नेम, तो यहां पे एम्प्लॉय का नेम आएगा। अब एम्प्लॉय का नेम कौन सा डेटा टाइप होगा तो यहां पे कर देता हूं var var char यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर। और इसमें कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो, लाइक 7 वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, 7 जो है लेटर्स आप लिख सकते हो, कहने का ये मतलब वर्ड्स नहीं बल्कि लेटर। तो यहां पे 7 लेटर आप लिख पाओगे और यहां पे कॉमा दे देता हूं। ठीक है, यहां पे हमने डेटा टाइप मेंशन कर दिया, आप इसको कॉमा दे देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। दूसरा काम करना है एम्प्लॉय आईडी, तो ये लिख दिया हमने एम्प्लॉय और यहां पे अंडरस्कोर लगाया आईडी। ओके, और यहां पे देते हैं अगर हम वेयर कैर, ठीक है, तो भी यहां पर एम्प्लॉय आईडी को हम यहां पे दे सकते हैं नॉट नल। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहां पे डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया और यहां पे साइज मेंशन कर देते हैं 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे चूंकि हम एंटर करेंगे एम्प्लॉय की आईडी तो ये इस तरह से हमने दे दिया है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं नॉट नल प्राइमरी की, इस तरीके से लिख दिया नॉट नल प्राइमरी की, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद से एंटर करके नीचे आएंगे, अगर हमें कुछ और भी देना है लाइक एज वगैरह तो यहां पे एज भी दे सकते हैं। तो एज जो है इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे हम, यहां पे लिख दिया सीधा सीधा इंट। ओके, आ रही बात समझ में? अब यहां पे इंट लिख दिया हमने और एंटर कर दिया। अब इसको बंद कर देते हैं यहां से। ठीक है, ये बंद कर दिया और यहां से रन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए इस पर डबल क्लिक करता हूं तो वही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाते थे, जैसे बिल्कुल वैसी ही चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। इसी तरह से आप एसक्यूएल सर्वर पर भी जाकर के इसी तरह से कोडिंग करनी होगी। ये एक झलक है कि इसको देख करके आप समझ लीजिए कि कैसे एसक्यूएल सर्वर पर कोडिंग होगी। अब जैसे यहां पर कर दिया मैंने सूरज, यहां पर आएंगे एम्प्लॉई आईडी कर दिया हमने S01। ठीक है, अब देखिए यहां S01 मैं टाइप कर रहा हूं, क्या मैं S01 को रिपीट कर सकता हूं? यहां पे एज कर दिया हमने 30 और यहां पे आए यहां पे कर दिया राम, यहां पे एज 20 और यहां पर एम्प्लॉय आईडी कर देंगे R01, राम R01। इस तरीके से हम ये दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आई होप की बात समझ में आई होगी। ये देखिए नल जो लिखा हमने यहां पर, आप देख सकते हैं क्वेरी के अंदर यहां पर जो लिखा है हमने नॉट नल प्राइमरी की, तो ये नॉट नल लिखने का मतलब यही है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब यहां पर जैसे है तो यहां पर क्या नॉट नल दे सकते हैं, एक बार ये चेक करते हैं। यहां पे वेयर कैर लिख दिया हमने और यहां पे देता हूं मैं अगर नॉट नल, बस इतना लिख दिया हमने। और अब इस क्वेरी को हमें रन करवाना है तो यहां से डिजाइन पे जाना है और यहां से रन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, पहले इसको क्लोज कर देता हूं, सेव नहीं करता, क्लोज कर देता हूं। ओके, अब यहां से जाकर के इसको रन करवा देता हूं। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहां से इसको डिलीट ही कर देता हूं। ये लीजिए, ये डिलीट कर दिया, अब ये चल जाएगा कोड आपका। तो ये देखिए यहां पर भी हम नॉट नल दे सकते हैं, यहां पर लिखा है मैंने नॉट नल। नॉट नल का मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आप डायरेक्टली यहां पर नहीं मूव कर सकते। अगर यहां पर आप लिखना चाहेंगे तो ये लिख दिया हमने, फिर यहां पर आएंगे, फिर एज डाल दिया मान लीजिए हमने, फिर नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय टी डॉट एम्प्लॉय नेम फील्ड, आपने लिखा नहीं है, एम्प्लॉय नेम दिया नहीं है, तो ये आपको एंटर नहीं करने देगा। तो आप नॉट नल वाली जो चीजें हैं वो एम्प्लॉय नेम में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम को भी अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम कोई छोड़े ना, छोड़ करके आगे ना बढ़े, तो आप वहां पर भी नॉट नल लगा सकते हैं। लाइक यहां पर कर दिया मैंने राम और यहां पे अब एम्प्लॉय आईडी की बात है तो जैसे R01 कर दिया,
ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको थोड़ा यहां से विड्थ बढ़ा देता हूं, और इनकी एज मान लीजिए 45 है, ठीक है। इसी तरह से श्याम कर देता हूं। अब ये आप कॉलम छोड़ नहीं सकते खाली, हाँ एम्प्लॉय आईडी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकते खाली। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी अगर मैंने छोड़ दिया तो ये क्या कहेगा, कह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी फील्ड को आप खाली छोड़ दिए, इसको भरिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप कितना भी कोशिश करिए आगे जाने की, आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आपको हटना ही पड़ेगा, ये क्लोज करना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है, ठीक है, अगर आप नॉट नल दे देते हैं तो ये फायदा होता है। प्राइमरी की कौन सी है आपकी, ये है एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। आप अगर बात करें यहाँ पे श्याम की, तो देखिए प्राइमरी की में और यहाँ नॉट नल देने में दोनों में अंतर है। देखिए अगर प्राइमरी की आप बना देते हैं तो आप वो वैल्यू दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्राइमरी की नहीं बनाएंगे लेकिन वहां पे नॉट नल दे देंगे तो आप, उसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई चीज एंटर कीजिए तब आप आगे बढ़िए। जैसे कि यहाँ पे श्याम है तो यहाँ करता हूँ एस जीरो, और अब यहाँ पे आए 23 है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ देता हूँ, लाइक राम दे देता हूँ, तो ये हमें टाइप करने देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस इसको खाली नहीं छोड़ सकते आप। हाँ प्राइमरी के जहां आपने बनाया वहां पर आप सेम चीज नहीं रिपीट कर सकते। लाइक देखिए यहाँ पे दे दिया हमने, और यहाँ पे देखिए 34। तो ये देखिए ये कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स प्राइमरी की। तो यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे कर देता हूं R001, तो यहां पे देखिए अब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रही, तो अब ये आगे हमें काम करने देगा। देखिए यहां पर अगर क्लिक करता हूं, हो सकता है कि राम किसी और एम्प्लॉय का नाम हो, दो एम्प्लॉय हो, तीन एम्प्लॉय हो ऐसे जिनका नाम राम हो, तो इस कंडीशन में ये हमें एंटर करने देता है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ये नॉट नल और ये प्राइमरी की है क्या SQL में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।